नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का, आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड लक राशिफल विद कमल नंदलाल में सिर्फ श्रोतक को, इसलिए श्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन और साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार खास उपाय और प्रोग्राम के बीच में आपको बताएंगे आपके बर्थडे का और मैरिज एनिवर्सरी का गुड लक और लास्ट में बताएंगे आपको महा गुड लक का महा टोटका जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो चलिए जान लेते हैं मीन संक्रांति पर इन राशियों को कारोबार में कैसे मिलेगी तरक्की। जी हां, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की, यानी कि दिन की, हाल की। आज शुक्रवार का दिन है, तारीख है 15 मार्च 2019, चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में है। आज का भाग्यांक है 3, शुभ रंग है पीला, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व, राहु काल रहेगा सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 12:30 तक और रवि योग पूरे दिन और रात है। और क्या है खास, मीन संक्रांति है, बहुत बड़ा पर्व है जिसका पुण्यकाल रहेगा सुबह 6:35 से लेकर दोपहर 12:30 तक। तो आइए हम लौटते हैं अपने खास टॉपिक पर और बात करते हैं कैसे मीन संक्रांति पर खास राशियों को मिलेगी कारोबार में सक्सेस। आज मीन संक्रांति है और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मीन मास शुरू हो जाएगा जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। मीन का सूर्य साल का 12वां सूर्य कहलाता है जिसे मित्र आदित्य कहते हैं, इसका अलग नाम है, 12 तरीके के आदित्य कहेंगे जिसमें से मित्र जो है एक आदित्य है और उसे फागुन सखा भी कहा जाता है और इनकी विशेष पूजा होती है आज के दिन। और आज सूर्य के विशेष उपायों से क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, दिल का रोग, और कारोबार में आपको तरक्की मिल सकती है। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए अब आपको बताते हैं हार्ट प्रॉब्लम से मुक्ति पाने का खास उपाय। क्या करना है आपको, सुबह स्नान वगैरह के पश्चात में सूर्य का विधिवत पूजन कीजिए, धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य जो आपका पंचोपचार पूजन करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाइए और एक गुडलक मंत्र है आज का, खास मंत्र आज का गुडलक मंत्र, ह्रीम मित्राय नमः, पॉइंटर देख रहे होंगे आप, ये मंत्र जाप करके सूर्य पर एक अनार चढ़ाइए, पॉमीग्रेनेट अनार चढ़ाइए और अनार चढ़ाने के बाद आपका जो हार्ट जोन है इससे 12 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको वार लीजिए। क्यों, क्योंकि दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं, दिन में और रात में, इसलिए 12 बार वारिए इसको और वार करके किसी गाय को डाल दीजिए, किसी गाय को खिला दीजिए, सारी हार्ट प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर। और इसके लिए अच्छा मुहूर्त जो है सुबह 6:35 से लेकर सुबह 7:30 तक का है, लगभग 1 घंटे का मुहूर्त है। तो चलिए अब बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन और राशि अनुसार खास उपाय। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, यानी कि एरीज। ऑफिस के बोझ से निजात मिलेगी, कामों को शांति से निपटाने से आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होगा, पर्सनालिटी में सुधार लाने की कोशिश कीजिए, महत्वपूर्ण कामों को कल तक थोड़ा सा टाल दीजिए। अच्छी आर्थिक स्थिति से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रोफेशन में प्लान्स जो हैं उसका शुभारंभ भी कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 3, लकी कलर रहेगा येलो, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट और उपाय के तौर पर क्या करें आप, सूर्यदेव पर गुड़ चढ़ाकर गरीब मजदूरों को भेंट कर दीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। राजनीतिक संगठनों से आप जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, पर्सनल इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, ऑफिस में बिजनेस की समस्या सुलझ सकती है, मीटिंग्स टाल दीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, धन निवेश आपको लाभ देगा, प्रोफेशन में प्रगति भी होगी। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 9, लकी कलर रहेगा ऑरेंज, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ और उपाय के तौर पर किसी धर्म स्थल में सरसों का तेल दान कर दीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 3 मिथुन यानी कि जेमिनी की। दिन व्यवस्थित है, नया काम शुरू कर सकते हैं, उत्साह बना रहेगा, विवाद सुलझने का दिन है, ऑफिस में संभल कर रहे वरना मुसीबत झेलनी पड़ेगी, मुद्दों पर स्पष्टता से
अपनी बात रखें, समस्या सॉल्व होगी, अधिकारी जो है आपको सपोर्ट करेंगे, पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहें। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 8, लकी कलर रहेगा ब्लैक, लकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट, और उपाय के तौर पर सूर्य पर सिक्के चढ़ाकर गरीबों में बांट दीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 4, कर्क यानी कि कैंसर की। पर्सनैलिटी में निखार आएगा, रोमांस जो है आपके लिए एक्साइटिंग रहेगा, बिजनेस में ऊंच नीच से सफल रहेंगे, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, लाभदायी परिणाम मिलेंगे, कोई विशेष काम भी बन सकता है, पार्टनरशिप के आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, प्रेम प्रसंग में सफलता भी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 5, लकी कलर रहेगा ग्रीन, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ, और उपाय के तौर पर तिजोरी पर रोली से ह्रीम लिख दीजिए, पॉइंटर देख रहे हैं आप। तो अब क्या है खास उनके लिए जिनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। और क्या करना है आपको बर्थडे गुड लक में खास, लक्ष्मी मंदिर में घी का चौमुखी यानी कि चार मुख वाला, चार बत्तियों वाला दीपक जलाना है। क्या होगा, पूरे साल भर आर्थिक हानि से मुक्ति मिलेगी आपको, आर्थिक हानि दूर रहेगी, फटके की भी नहीं आपके पास। बात करते हैं राशि नंबर 5, सिंह यानी कि लियो की। कार्य क्षेत्र में पांव पसारना हानिकारक हो सकता है, प्रमोशन के लिए ऑफिस में आपकी चर्चा भी होगी, शाम प्रेमी के साथ रोमांटिक बातें करने में बीतेगी, आर्थिक प्रयास आपके सफल होंगे, यात्राएं भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी, फ्रेंड से आज लाभ भी होगा, सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगी और प्रॉपर्टी के विवाद भी निपटेंगे। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 4, लकी कलर रहेगा आसमानी, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ वेस्ट, और उपाय के तौर पर मस्तक पर लाल चंदन से तिलक कीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 6, कन्या की। विरोधी सिर उठाएंगे, पोजीशन में इजाफा होगा, संतान की ज़रूरतों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप सिंगल हैं और पहली डेट है तो वो बहुत मज़ेदार जाने जा रही है। चापलूस मित्रों से दूर रहें, हानि हो सकती है आपके लिए, परिजनों से क्लेश संभव है, व्यवहारिक निर्णय लें, स्टूडेंट्स को लाभ भी मिलेगा, पार्टनर से सुख भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 8, लकी कलर रहेगा ब्लैक, लकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट, और उपाय के तौर पर पक्षियों के लिए गेहूँ रख दीजिए। बात करते हैं सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। घूमने फिरने का प्लान बनेगा, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई लिखाई के मामले में आप कंसंट्रेट अवश्य करें, रिश्तों में सुधार आने के योग हैं, सामूहिक प्रोग्राम में मित्रों से मिलेंगे आप, धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे, कानूनी वाद विवाद की अवहेलना ना करें, प्रॉब्लम होगी। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 9, लकी कलर रहेगा ऑरेंज, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ, और उपाय के तौर पर पर्स में तांबे का सिक्का रख लीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 8, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कोई खास व्यक्ति करीब आने की कोशिश करेगा, आत्मचिंतन से समस्याओं का हल खोजें, सरकारी काम आगे बढ़ेंगे, नए काम की योजनाएं बनेंगी, अटका धन वसूल होगा, पारिवारिक आयोजनों से खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 3, लकी कलर रहेगा येलो, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट, और उपाय के तौर पर एक मंत्र है जिसका आपको जाप करना है, ह्रीम पितृमूर्तये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। तो अब क्या है खास उन लोगों के लिए जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, ईश्वर आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। क्या करना है आपको खास एनिवर्सरी गुड लक में, सूर्य देव पर कुष्मांड यानी कि पंपकिन चढ़ाइए और उसे नाभि से वार कर चौराहे पर रख दीजिए। ये खास किस लिए है, क्योंकि अगर जो कपिल हैं या जो लेडीज हैं जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रही हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो संतानहीनता का निवारण होगा पक्का। जी हाँ, बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। धनार्जन में सफलता मिलेगी, रूटीन को बदलने की कोशिश करेंगे, परिजनों से बहसबाजी हो सकती है, बातों को दिल से ना लगाएं, मानहानि के संकेत हैं, गृह क्लेश की संभावना है, नौकरी में जूनियर्स असहयोग करेंगे, फैमिली लाइफ तनावपूर्ण रहेगी, कुल मिला के दिन आपके पक्ष का नहीं है। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 6, लकी कलर रहेगा पिंक, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट, और उपाय के तौर पर किसी मंदिर में अपनी कलाई पर मौली बंधवा लीजिए। बात करते हैं दसवीं राशि मकर की। ऑफिस में कई चेंजेस संभव हैं, हर पोजीशन को सूझबूझ से हैंडल करें, नए व्यक्ति से निजी लेवल पर पहचान बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पुरानी योजनाओं की पूर्णता के प्रयास होंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और पारिवारिक सुख भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा व्हाइट, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ वेस्ट, और उपाय के तौर पर सूर्यदेव पर चढ़ी 10 रेवड़ियां गरीब मजदूरों को भेंट कर दीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 11, कुंभ यानी कि एक्वेरियस की।
रोड पर अलर्ट रहें, चोट लगने के योग हैं। ऑफिशियल कार्यभार बढ़ने से थकान रहेगी। काम पर एक्स्ट्रा अटेंशन देना जरूरी है आपके लिए। काम में रुकावटें आ सकती हैं, वादा खिलाफी से दिक्कतें आएंगी। आर्थिक लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतें, जोखिम भरे सौदे नुकसान दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा व्हाइट, लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ वेस्ट, और उपाय के तौर पर लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अब बात करते हैं राशि नंबर 12 मीन यानी कि पाइसिस की। आर्ट फील्ड से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्रिएटिविटी का अधिकतम प्रयोग करेंगे। फाइनेंस के मामले कठिन रहेंगे, प्रेमी के साथ में डेट पर जा सकते हैं, सर्विसमैन को इच्छित लाभ मिल सकते हैं। जोखिमपूर्ण कामों से बचें, काम में जोश बढ़ सकता है। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 6, लकी कलर रहेगा पिंक, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट, और उपाय के तौर पर लाल गाय को घास खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब क्या है खास, गुड लक का टोटके, महा गुड लक का महा टोटका। तो क्या करना है आपको, पानी में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और सूर्यदेव को उससे अर्घ दीजिए, और जब आप अर्घ दे रहे हो उस समय पे सूर्य का कोई मंत्र जाप कर लीजिए, ओम सूर्याय नमः। क्या होगा इससे, रोजगार में तरक्की मिलेगी जी, बिल्कुल। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपका राशिफल लेकर, आपकी राशि के उपाय लेकर। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।